अजंता की गुफाएं। पाठ का उद्देश्य, प्राचीन गुफाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अंग हैं। इतिहास की इन अमूल्य स्मृति चिन्हों व श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के विकास की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। कला मनुष्य के सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। अपने मन में बसे सौंदर्य को रूप देने के लिए कभी उसने पत्थरों को तराशा, कभी स्वरों को साधा और कभी पूंछी और रंगों से मन के सौंदर्य को चित्रपट अथवा भित्ति चित्रों पर अंकित किया, तो कभी कलम पकड़ भाव में संसार से साहित्य साधना की। चाहे जो कुछ भी हो, ये सब प्रकार है मानव मन की अभिव्यक्ति के। अजंता और एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र अथवा मूर्ति कला की अद्भुत छटा उनके प्रेरणात्मक मन को प्रतिबिंबित करते हैं। अजंता की गुफाओं को देखने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। जलगांव अथवा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरकर अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता की कलात्मक गुफाएं हैं। यहाँ बघोरा नदी बहती है, जिसे पार करना पड़ता है। घाटी के चारों ओर हर सिंगार का वन है। इस वन में विचित्र प्रकार के पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य अक्टूबर से दिसंबर माह तक दर्शनीय होता है। अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। ये गुफाएं दो प्रकार की हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी। यही कारण है कि यह गुफा लंबी होती है। इसके अंतिम छोर पर एक स्तूप है। विहार गुफा भिक्षुओं की रहने और अध्ययन करने के लिए होती थी। अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने की विधि बड़ी विचित्र थी। पहले दीवार को खुरदरा बनाया जाता था। उस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी भूसे मिले हुए गारे का लेप चढ़ाया जाता था। उसके बाद इसे चूने के पलस्तर से ढका जाता, फिर इस पर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे। बाद में उन चित्रों में रंग भरा जाता था। यहाँ पर बौद्धि सत्व का चित्र है। दाएं हाथ में नील कमल धारण किए हुए बौद्धि सत्व विचारों में मग्न है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चित्रकार ने उनके मन के भावों को मुखमंडल पर अंकित कर दिया हो। उनकी पत्नी यशोधरा पर इन भावों का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसे भी अत्यंत कुशलता से चित्रित किया गया है। 16वीं गुफा के जो चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक वह जिसमें गहरी रात में भगवान बुद्ध घर त्याग रहे हैं तथा यशोधरा उनका पुत्र राहुल सोए हुए हैं। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चतुर चित्रकारों ने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन इन चित्रों में कर दिया हो। बौद्धों की जातक कथाओं को यहाँ आकर्षक चित्रों में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में दिए गए चित्र को देखो, हाथी हथनियों को कितने कुशलता पूर्वक दर्शाया गया है। अजंता की चित्रकला पर हम भारतीयों को गर्व है। इन महान चित्रकारों ने कहीं अपने नाम का उल्लेख भी नहीं किया है। भावनाओं का समर्पण ही उनका उद्देश्य था। नाम व ख्याति से उन्हें क्या लेना देना। धन्य है वे चित्रकार।